नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 4 का लेसन 1 से क्वेश्चन ले रहे हैं। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ अंक दिए गए हैं, हमें उसके पैटर्न को देखना है और उसी के अनुसार खाली जगहों को भरना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। ए का 16, 23, 30 और 37। इन सभी अंकों में बीच का अंतर 7 है। 16 से 7 जुड़ने पर 23 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो अगला जो 4 अंक होगा वो भी 7-7 जोड़ के आगे बढ़ेगा। तो 37 में 7 जोड़ेंगे तो 44 होगा, फिर 44 में 7 जोड़ देंगे तो 51 होगा, 51 में 7 जोड़ेंगे तो 58 होगा, और 58 में 7 जोड़ देंगे तो 65 होगा। ये इस पैटर्न पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब हम बी का लेते हैं 165, 180, 195 और 210। अब इन सभी अंकों में बीच का अंतर है 15। तो 15 के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। 210 में 15 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 में 15 जोड़ेंगे तो 255 होगा, और 255 में 15 जोड़ेंगे तो 270 होगा। ये यही पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ेगा। अब सी का लेते हैं 1050, 1100, 1150 और 1200। इन सभी अंकों में 50 का अंतर है तो 50 के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। 1200 में 50 जोड़ेंगे तो 1200, 50, 1250 में 50 जोड़ेंगे तो 1300, 1300 में 50 जोड़ेंगे तो 1350 होगा, और 1350 में 50 जोड़ेंगे तो 1400 होगा। अब हम डी का लेते हैं 9050, 9090, 9130, 9170। इन सभी अंकों में बीच का अंतर 40 है तो हम 40 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 9170 में 40 जोड़ेंगे तो 9210 होगा, 9210 में 40 जोड़ेंगे तो 9250 होगा, 9250 में 40 जोड़ेंगे तो 9290 होगा, और 9290 में 40 जोड़ देंगे तो 9330 होगा। ई कर लेते हैं 915, 895, 875, 855। इन सभी में बीच का अंतर 20 है और घटते क्रम में है, तो हमने 20 का अंतर रखते हुए घटते क्रम में आगे बढ़ेंगे। 855 में 20 घटा देंगे तो 835 होगा, 20 घटाएंगे तो 815 होगा, फिर 20 घटा देंगे तो 795 होगा, 795 में फिर 20 घटा देंगे तो 775 होगा। इस तरह आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे हम पहले पैटर्न को समझते हैं और खाली जगहों को भरते हैं, जो बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझने भर तक की देर है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।